राजीव मिश्रा जी कह रहे हैं, कतर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक डैश डैश देश है जो अपने दुश्मन से लड़ने की जगह उसका दिल जीत। ये जो इस मामले में मैं कहूंगा लड़ाई, क्योंकि इसराइल तो ताकतवर है, इसराइल पर उसने हमला करवा दिया पूरा। ये जो भारत की कूटनीति है, भारत असल में अमेरिका सेंट्रिक हो गया है पूरी तरह से। ACYPL की ये ट्रेनिंग है। तो जो कतर, अमेरिका कतर से गैस में ऊपर हो भी जाता है और कतर हमला करवाता है, कतर डीलिंग करता, तब भी अमेरिका क्यों नहीं कुछ कर सकता? क्योंकि बनिए अमेरिका की 10,000 सैनिक ट्रुप वहां बैठी है। तो जब आप अपने हित को दांव पर लगाए रहोगे तो कोई छोटा देश भी आंख दिखाएगा। भारत के साथ भी यही है। मुंद्रा से लेकर ग्रीस तक एक बिजनेसमैन का पोर्ट है। ग्रीस में भी उसी को डेवलप करने का, आप सर्च करो। और ग्रीस में जाके दौड़ा में, और हम लोगों ने कहा था प्राइम मिनिस्टर रुके, प्राइम मिनिस्टर रुके, क्या रुके, आप समझ सकते हो। मुंद्रा में उसी का है। तो बिजनेस हित जो है वो राष्ट्र हित से बड़ा है, व्यापारियों के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी और नेताओं के लिए भी, ये बहुत बड़ा हित है। यदि अगर हम देखें, अगर हम ऐसे, आप सरकार को छोड़ दो, सरकार को दोष देने की जगह एक और चीज सोचते हैं कि ये जो कंपनियां सब हैं, जहां कतार आदि सब अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं व्यापार के लिए, सब देशों में काम कर रहे हैं, तो उनके हित जो है वो डैमेज होने पर फिर सरकार को ही बचाने के लिए आना पड़ता है। लेकिन सभी बिजनेस के लिए गए हुए, बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस ही जोड़ेगा भी, बिजनेस ही अलग तरह की राजनीति भी कराएगा। तो बिजनेस अलग ही चीज है। इस कॉरिडोर को डैमेज कर दिया इसने। अब आगे जाके फिर देखे, इस पे इजराइल उजराइल आगे मजबूत होके करते हैं, पर पैसे बहुत है कतर के पास। दोहा में उसने भी फीफा वर्ल्ड कप करवाया, जाकिर नायक को मंच पे बैठवा दिया। भारत का उसने बार बार अपमान किया है, जाकिर नायक को बुलाया अपमान किया, हमारे उपराष्ट्रपति को बुला के अपमान किया, जाकिर नायक के रहने पर उपराष्ट्रपति, नुपुर शर्मा के मामले में हम पे अपमान किया, और अभी घुटने पर 78 अरब डॉलर का डील करवा के हमारा अपमान किया, वो बार बार हमारा अपमान कर।